हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैंने लिए हैं ये दो टूटे नेट के, आप सिंपल कपड़े के भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है नेट के हो। तो 4x2.5 इंच के ये हमारे कपड़े हैं और ये हमने दो कपड़े लिए हैं। एक लिया है हमने सुई धागा और देखिए इसको आपको ऐसे करके डबल रखना है और 20 सेंटर में आपको देख लेना है 20 सेंटर कहाँ है और इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है इसमें सुई धागे की मदद से ही। तो सुई धागे से ही लगानी है, उससे नहीं लगानी है आपको सिलाई मशीन से। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा दी है और देखिए इस तरीके से हम इसे 20 सेंटर में ले कर लेंगे, पकड़ लेंगे इसको और यहाँ से आप इसमें नॉट लगा देना। तो इस तरीके से हमने इसमें नॉट लगा दी। ओके, इतना काम हो गया। तो देखिए ये हमारा कुछ फ्लावर शेप में आ गया है ये इस तरीके से। अब आप देखिए कोई भी मोती वगैरह लेना है, कोई भी स्टोन हो या मोती हो उसे बीच से डालना है इस तरीके से और आपको 20 सेंटर में इसको सेट कर देना है। इस तरीके से एक और बार ऐसे डाल के कर देती हूँ ताकि मजबूत हो जाए। तो पीछे की साइड में लाते हुए नॉट लगा देती हूँ फिर से इसमें। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। आप इसे किसी में भी लगा सकते हो और या फिर देखिए ये मैंने ली है साड़ी पिन, रबर बैंड ली है या फिर ये चिमटी पे लगा सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा जब आप इस चिमटी को या फिर रबर को या फिर साड़ी पिन को लगाओगे। तो देखिए इस तरीके से आप इसे 20 सेंटर में चिपका सकते हो। तो आपको रबर पे लगानी है तो रबर पे आप सुई धागे को आप ही कट नहीं करना है, जब आप सिल दो जब आपको करना है या फिर चिमटी में देखिए यहाँ पर आपको इस सुई धागे से बांध देना है। तो आप जो सुई धागे से इसे देखिए इस तरीके से इस सेंटर में देते हुए कर सकते हो। रबर बैंड वगैरह बनानी है या फिर हेयर क्लिप बनानी है, जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो इसे। तो गाइस ये हमारी रबर बैंड बनके रेडी है। आप इसमें से जो भी बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा जब भी आप इसे लगाओगे तो। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लुक आया इससे। और आप चिमटी भी बना सकते हो, चिमटी पर लगा के या फिर इस पर भी लगा सकते हो, जहाँ पर आप लगाना चाहो वहाँ आप लगा सकते हो। और गाइस देखिए मैंने एक और चिमटी बनाई है इस तरीके से। तो इसमें भी मैंने सुई धागे से ही सिली है क्योंकि किसी ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ग्लू गन हो या फिर चिपकाने के लिए कुछ भी हो, तो आप सुई धागे से ही डायरेक्ट उसे सिल सकते हो क्योंकि पीछे से तो कुछ नहीं दिखेगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी दोनों चीज़ें।